और शहनाज ने मॉरली डेफिनेटली सिद्धार्थ को सपोर्ट किया है, मगर गेम में सपोर्ट इतना नहीं किया है। जिस शहनाज को मैंने देखा था पहले 2 महीने में और जो शहनाज अब हो गई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। शहनाज हर उस लड़की को पसंद नहीं करती जो सिद्धार्थ की दोस्त बनती है। घर क्या कहेंगी, घर में आई जैसे ही बाहर वैसे ही आपको फिर जाना पड़ा। पराग ने कैसे परमिशन दी? पराग तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने कहा कि अरे अभी तो वापस आई हो, अब दोबारा से जाओगी, मगर मैंने उनको तसल्ली दी कि इस बार सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। पारस पराग को बड़ा भाई मानते हैं और ये पारस के लिए था, उनको सपोर्ट करने के लिए था, उनको मोटिवेट करने के लिए था। तो पराग टोटली अंडरस्टैंडिंग हुए और उन्होंने कहा चलो जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। कल के एपिसोड में भी आपकी चर्चा हुई, क्या कहेंगी, किस तरह से अभी भी आपका पीछा नहीं छूट रहा है? अब क्या कहूँ, मतलब वारे दुश्मन महफिल तुम्हारी चर्चे हमारे। तो मुझे तो एक्चुअली बहुत ही मज़ा आता है जब लोग मुझे डिस्कस करते हैं। शायद मेरा प्रेजेंस इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा कि अब मैं घर में हूँ नहीं तब भी मेरा डिस्कशन होता है। और टास्क बहुत ही शिद्दत से मैंने किया है हमेशा बिग बॉस के घर में, और टास्क को लेकर डिस्कशन हुआ है तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है। कहीं ना कहीं जब आप घर में एंट्री की थी शहनाज खुश नहीं थी, क्या कहेंगी, कितना ज़्यादा उन्होंने लड़ाई भी कर ली थी, तो ये आप किस तरह से खुद को फिर देखती हैं, क्योंकि आप काफ़ी पसंद करती थी घर में जब नहीं गई थी तो? इनिशियली मैं शहनाज को बहुत पसंद करती थी, मगर उसके बाद हमारी इक्वेशन सेट नहीं हुई, हमारी वाइब्स मैच नहीं हुई। प्लस मैंने हमेशा से देखा था कि शहनाज हर उस लड़की को पसंद नहीं करती जो सिद्धार्थ की दोस्त बनती है। टुवर्ड्स द एंड मेरा और सिद्धार्थ का इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, हमारी टीम बहुत अच्छी रही। स्पेशली जब शहनाज ने फ्लिप मार के आसिम को ज्वाइन किया तब मैंने पूरी तरह से सिद्धार्थ को सपोर्ट किया था, और इस नोट पे मैंने घर छोड़ के मैं गई थी। जब मैं वापस आई तब सिद्धार्थ और शहनाज दोबारा से दोस्त बन चुके थे और शहनाज मस्ट हैव फेल्ट थ्रेटन्ड समहाउ, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि वो खुश नहीं थी। अच्छा, जब घर में गई थी तो एक फेक नाज भी कह दिया था कश्मीरा ने उन्हें, क्या लगता है उस बात को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिल पे ले लिया था, तो ये किस तरह का नेचर है, क्या सच में फेक नाज हो गए अब? आई डोंट नो, मैंने देखा है शहनाज के बिहेवियर में भी एक चेंज है। बिग बॉस का घर एक ऐसा होता है कि आप बहुत लंबे समय तक प्रिटेंड नहीं कर सकते। जिस शहनाज को मैंने देखा था पहले 2 महीने में और जो शहनाज अब हो गई है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे ये नहीं मालूम कि वो फेक था कि ये फेक है। तो जो भी रियल उनका साइड है, ये बात तो सच है कि लोग घर के उन पे कम भरोसा करते हैं, उनके फ्लिपिंग नेचर के वजह से, उनके एटीट्यूड के वजह से लोग विश्वास नहीं करते उनका, और इसीलिए उनको फेक नाज बुलाते हैं। ओके, लास्टली सिर्फ जानना चाहूँगी कि सिद्धार्थ ने फाइनली अब पारस को सेव किया और वहीं आरती को सेव करने के लिए आपने देखा कि आसिम ने किया, तो क्या लगता है किस तरह की स्ट्रैटेजीज अब चल रही है घर के अंदर? सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा किया है, थ्रू आउट द शो उन्होंने आरती और शहनाज दोनों को टाइम एंड अगेन सेव किया है। टुवर्ड्स दी एंड पारस ने बखूबी दोस्ती निभाई है सिद्धार्थ के साथ, उन्होंने सिद्धार्थ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लिए हैं और उनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग हुई है। सिद्धार्थ ने ये कहा था कि ये लास्ट मौका है कि मैं पारस के लिए कुछ कर पाऊँ। पारस ने कभी सिद्धार्थ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड आई थिंक दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल कि सिद्धार्थ ने पारस को बचाया और पारस एक्चुअली इमोशनल भी हो गए। तो मैंने इस सिद्धार्थ के इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आसिम की आदत है लोगों के बीच में आग लगाना, आसिम ने कोशिश की थी मेरे और भाव के बीच में भी आग लगाने की, वो आग लगा के अलायंसेस तुड़वाते हैं और फिर कंटेस्टेंट को वीक करते हैं, तो उन्होंने यही किया है। आरती और शहनाज के कान भरे उन्होंने और ये दोनों बहक गई। मैं ये सोचती हूँ कि इन दोनों को ये सोचना चाहिए कि थ्रू आउट 5 महीने की जर्नी में टाइम एंड अगेन सिद्धार्थ ने आरती और शहनाज को बचाया है। आरती हमेशा न्यूट्रल खेलती है और शहनाज ने मॉरली डेफिनेटली सिद्धार्थ को सपोर्ट किया है, मगर गेम में सपोर्ट इतना नहीं किया है। तो अगर इस बार सिद्धार्थ ने उन्हें नहीं बचाया तो उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो को त्यों मिलता है। ओके, भाव की बात की तो विकास और भाव से मिली थी रिसेंटली, किस तरह का बॉन्ड अब आप लोग शेयर करते, क्या कहेंगे? बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड है मेरा और भाव का रिश्ता। बिग बॉस के घर के अंदर एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता बना। बिग बॉस के अंदर उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया, अब मुझे प्रमोट करके बेटी बना दिया है अपनी। सो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, मुझे हमेशा से बड़े भाई की चाह थी और मुझे बड़े भाई के रूप में भाव मिल गए हैं।
तो वो, और वो भी बिग बॉस के घर में, तो हमारा रिश्ता दिल का रिश्ता है और मुझे लगता है जीवन भर हम ऐसे ही एंड वील बी स्ट्रॉन्गर। ओके शिवाली, हमने सुना कि आप परफॉर्म भी करने वाली हैं बिग बॉस में, तो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं एक और परफॉर्मेंस के लिए, और क्या कहेंगी वहाँ किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा दिखने वाला है? बिग बॉस का फिनाले आने वाला है, ये सीज़न इमेंसली सक्सेसफुल रहा है और इसको मद्देनजर रखते हुए जो फिनाले होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी द ग्रैंडेस्ट एवर इन द बिग बॉस हिस्ट्री, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। क्रिएटिव्स अभी क्रिएटिव्स लॉक कर रहे हैं और मुझे खबर मिली है कि दे वांट मी टू परफॉर्म एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू परफॉर्म और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और आई विल बी सपोर्टिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स बिकॉज आई थिंक दे हैव वर्क वेरी हार्ड, दे हैव रीच्ड वेयर दे आर राइट नाउ, बट पर्सनली इफ यू आस्क मी आई वुड लाइक टू सी सिद्धार्थ विद द ट्रॉफी।